लाज रखना मेरे खुदाया, तूने बनाया गुरु। लाज रखना मेरे खुदाया, तूने बनाया गुरु। तेरी रजा के बिना भला कुछ भी हो कैसे शुरू। वैसे थानेदार साहब, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप तो मुझे कितने अरसे से जानते हैं। हमारे काम में वाकफियतें सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए होती है। पुलिस और चोर की कैसी वाकफियत? हाँ है, आपने तो मुझे चोर बोल दिया है। ये बहुत गलत इल्जाम है। ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, सबूत है इसका हमारे पास। सबूत? कौन सा सबूत? मुझे भी दिखाए ना सबूत। सब सबूत सबूत लगे हुए। देख गुरु, ज्यादा जबान मत चला, बैठ ही रह चुप करके। तूने जो करना कर ले, मैं बेकसूर हूँ, मेरी औलाद है वो। औलाद? वाह, अब तू भी औलाद वाली हो गई हैं? देख, मैं अब भी तुझे कह रहा हूँ, सब कुछ सही सही सीधा सीधा बता दे मुझे। कहाँ से उठा कर लाया है? किसकी बच्ची है ये? मेरी बच्ची है वो, अल्लाह ताला ने दी है मुझे। बस तो फिर ठीक है, इसका फैसला अदालत करेगी। हवलदार साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची परेशान हो रही होगी, रो रही होगी मेरे लिए। देखो, मेरा काम था पकड़ना, अब तुम्हें छोड़ना या सजा देना वो अदालत का काम। थानेदार साहब बस, चल बैठ जा चुप करके। मेरी बात तो सुन ले हवलदार साहब, बात तो सुन ले मेरी। सर बात तो सुन, मासूम साहब, आप तो शरीफ आदमी हैं, आप इधर थाने में क्यों आए? आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप मुझे शरीफ आदमी समझते हैं। मैं भी एक शरीफ आदमी की सिफारिश करने आपके पास आया हूँ। ये वो जो है ना गुरु, वो बहुत शरीफ आदमी है भाई। ये सब लोग उसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं, और वो एक बच्ची है ना उसके पास, वो बच्ची उसे बाहर से मिली है। बताओ भाई। जी बिल्कुल गुरु, बहुत शरीफ इंसान है जनाब। थानेदार साहब, जिस तरह ये इस बच्ची के लिए कुर्बानी दे रहा है ना, असली माँ बाप भी कम ही देते होंगे इस तरह कुर्बानी। इंस्पेक्टर साहब, आप अगर मुझ पर भरोसा करते हैं ना, मुझ पर थोड़ा सा भी एतमाद करते हैं, प्राय मेहरबानी इसे रिलीज कर दिया जाए। हमारे पास गवाह है। देखिए, गवाह तो झूठे भी पैदा किए जा सकते हैं ना। देखिए मास्टर साहब, मैं आपका एहतराम करता हूँ, इस पर तो अगवा भरे तावान का केस बनता है। एसएचओ साहब, अगवा करने वाले यूं मोहल्ले में कुल्लम कुल्ला नहीं रहते, भाग जाते या छुप जाते। देखिए, आप मेरी जमानत पे इसे छोड़ सकते हैं। देखिए, मैं आपकी जमानत पर इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल को अगर कोई बात हुई तो इसकी सारी जवाबदारी आप पर होगी। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें, मैं हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। सिपाही। जी सर। लॉकअप में जो गुरु है उसे लेकर आ जाओ। ओके सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो गुरु? बस ठीक। देखो गुरु, मैं मास्टर साहब की जमानत पर तुम्हें छोड़ दो रहा हूं, लेकिन हमारी नजर तुम पर रहेगी हमेशा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच। मास्टर साहब, आप उस्ताद हैं और मैं आपका एहतराम करता हूं, और उस इलाके का एसएचओ भी आपका शागिर्द है। बहुत शुक्रिया। चलो मियां, चलो चलो, आइए चलो, आइए आइए।